हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम यहाँ पे मंडला आर्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे वाइट कलर का कार्डबोर्ड ले लिया है, जिसको मैंने ब्लैक कलर एक्रेलिक कलर से पेंट कर लिया। आप चाहे तो इसको चॉक पेंट से भी पेंट कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे मंडला आर्ट किट का सेट लिया है। ये बहुत ही आसानी से फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन किसी भी साइट पर मिल सकता है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पर हील्स टाइप का पैटर्न ड्रॉ कर लिया है, जो कि मुझे ग्रास का लुक देगा। और फिर मैंने यहाँ पे 3-4 शेड में कलर ले लिया है, ग्रीन कलर लाइट और डार्क करके। उसको फिर मैंने यहाँ पे मंडला आर्ट किट के हेल्प से मैंने यहाँ पे डॉट 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 पैटर्न्स पूरे ड्रॉ कर लिए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद ऐसे मैंने पूरा इसको कवर कर दिया है ऐसे डॉट डॉट से, और ये देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। और जब ये बन के तैयार होगा तो और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसे मेरी और भी वीडियोस देखने हो, आपको जिस भी चीज़ पे वीडियोस देखने हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और फिर यहाँ पे मैंने पेड़ का पैटर्न ड्रॉ कर लिया, मतलब यहाँ पे पेड़ का पैटर्न ड्रॉ कर लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने उसको ब्राउन कलर की हेल्प से डॉट 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 पूरा किया है, और बीच में मैंने ऐसे मून का लुक दिया है। उसको मैं वाइट कलर से कलर करूँगी। ऐसे पूरा ब्राउन मैंने कर लिया है डॉट डॉट मंडला किट के हेल्प से। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। फिर मैंने यहाँ पे 3-4 शेड लिया है, जैसे कि रेड, ब्लू, ऑरेंज और येलो। इसको मैंने ऐसे ही पूरा डॉट डॉट दे दिया है। और ये जब लास्ट में बन के दिखेगा ना, तो बहुत ही प्यारा लगेगा। मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। देखिए यहाँ पे बहुत ही प्यारा लग रहा है। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा।